रविवार को पुलिस अधीक्षक अनुरंजन किसपट्टा ने प्रेस वार्ता कर बताया कि पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर तीन साथी अपराधी असीम मोहंती, जगन्नाथ मल्लिक दोनों निवासी उड़ीसा राज्य एवं विजय कुमार सिंह निवासी महादेवगंज को देसी पिस्तौल एवं तीन जिंदा कारतूस के साथ गिरफ्तार किया गया है। वहीं यह दोनों किसी बड़ी घटना को अंजाम देने के लिए जा रहे थे, इसी दौरान वाहन चेकिंग के अभियान के दौरान इन्हें गिरफ्तार किया गया। गुप्त सूचना के आधार पर ऑफिसर इंचार्ज मुफस्सिल संतोष पांडे के नेतृत्व में एक सूचना प्राप्त हुई कि कुछ अपराध कर्मी का मूवमेंट हो रहा, जिसके आधार पर वाहन चेकिंग लगाई गई और एक स्विफ्ट डिजायर को रोका गया, जिसमें से तीन व्यक्ति को प्राप्त वहाँ पर रोका गया तो वो मिले और वहाँ तलाशी लेने पर उन तीनों के पास से एक देसी पिस्तौल मिला है जिसमें तीन राउंड गोली भी थी, तीन मोबाइल है और एक स्विफ्ट डिजायर है जिसके बारे में तहकीकात की जा रही है। ये तीनों व्यक्ति पूर्व अपराधी रहे हैं, जिसमें से एक असीम मोहंती है, दूसरा विजय सिंह है और तीसरा जगन्नाथ मल्लिक है। ये इनके विरुद्ध असीम मोहंती के विरुद्ध पूर्व में कांड भी दर्ज है जामताड़ा में और यहाँ टाउन में भी एक केस है। तो इस तरह ये अपराधी कथनों को गिरफ्तार किया गया है, एक अच्छी सफलता है हमारी टीम के लिए, ये सभी बधाई के पात्र। किसी न किसी आपराधिक कारण से ही रहे हैं, वो हम लोग और एस्टेब्लिश कर रहे हैं कि कौन से अपराध को करने को ये क्राइम कमिट करते हैं। सर यहाँ कितने केस जो हम लोग देख पाए हैं उसमें पुराना एक केस है और कर्माटाड़ा जामताड़ा का तीन केस है।